हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जो मैच कवर करने वाले हैं एससीओ वर्सेस डेनमार्क में जो कि मैच खेला जाएगा, अगर आप देखोगे तो एक टाइप के दो मैच है। स्पेशली देखोगे तो टेस्ट मैच भी, बट टेस्ट मैच छोड़ के आप अगर T20 मैचेस खेल सको तो अच्छे रहेंगे। तो दोनों मतलब कि देखो प्रोफेशनल टीम्स है, प्रोफेशनल मैच है, कोई दिक्कत नहीं होगा। T20 मैच है, मेरे हिसाब से अच्छा जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिलहाल मैं इस मैच कवर कर रहा हूँ, स्कॉटलैंड वर्सेज डेनमार्क का मैच कवर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे कि नहीं हमें आयरलैंड और जर्मनी का मैच भी कवर करो, तो मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। बस उसके लिए आप लोग कमेंट करके बता देना, आपको जो उसमें पाए टीम टेलीग्राम पे सबसे पहले शेयर करूंगा। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे ना डेडलाइन से 15-20 मिनट पहले लाइनअप अनाउंस होता है, आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना होता है। तो टेलीग्राम चाहे जो ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ आप लोग डेली विन करते हैं। तो टेलीग्राम चाहे जो ज्वाइन कर लेना, सर्च करोगे हजारों फेक चांस आपको देखने को मिलेगा, उनसे दूर रहना। ऑफिशियल ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, मैं वही प्रिफेर करूंगा। लास्ट मैच के स्कोर कार्ड देखो, उस क्योंकि उससे अच्छी टीम बनती है और साथ ही साथ एक अच्छी विनिंग कर सकते हो। फालतू का आप स्टार्ट सकोगे, आप बहुत पीछे भी चल जाओगे, टाइम वेस्ट भी होगा और फालतू का माइंड ऑफ होगा। उससे अच्छा आप लास्ट अच्छे स्कोर कार्ड देखो, बड़े ही कम टाइम में बहुत अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हो खुद से, बहुत अच्छी टीम। अभी भी लास्ट अच्छे स्कोर कार्ड से स्टार्ट सकोगे, टाइम वेस्ट होगा और साथ ही साथ बहुत पीछे चले जाओगे। इससे अच्छा लास्ट अच्छे स्कोर कार्ड देखो अच्छा रहेगा। ये मैच है स्कॉटलैंड और डेनमार्क का है, 16th मैच है, हम 17th मैच भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे तो कुछ आप कमेंट करना पड़ेगा, आपको गिव अवे भी करेंगे, डोंट वरी, गिव अवे भी है इस वीडियो में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेनमार्क जो कि खेल के आ रही है, 13th मैच खेल के आ रहे हैं, और स्कॉटलैंड जो हमने कवर किया ही था आई थिंक ऑस्ट्रिया के साथ, जो कि खेल कर आ ही रहे ये लोग। तो हमें चेक करना है कौन सा मैच हो, स्कॉटलैंड ऑस्ट्रिया का पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं डेनमार्क का। तो स्कॉटलैंड की टीम तो से लास्ट बचे जॉर्ज हेंसी, मैंने देखो जॉर्ज मुंसी मैंने क्लियरली आपको बोला था वीडियो में, और इनफैक्ट मैं काफी सालों से बोल ही रहा हूँ ये मेरे फेवरेट प्लेयर है, आप इनको कैप्टन करके चल सकते। सामने सामने कमजोर टीम थी और मैंने बोला था इनको कैप्टन करके चलेगा टीम, पहले बैटिंग करे तो, और 132 रन मारे वो भी जबरदस्त है इसको। ये ना जॉर्ज मुंसी एक कंस्टेंट प्लेयर है टीम से, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करते, टिक के खेलने वाले प्लेयर है। उसके अलावा ओली हरीस जो कि ये भी ठीक ठाक है, लास्ट में 23 सेंचुरी लगा के आ रहे, इससे पहले वाला मैच देखोगे लास्ट में 23 मारा था, बट उससे पहले सेंचुरी। उसके अलावा 28 रन तो मारे थे इनके ब्रैंडन मैकलियू ने, जो कि टीम का एक ऑलराउंडर है, और रिची ब्रिंगटोन जो कि टीम से कभी कभार बॉलिंग कर रहे थे, इस पर कैप्टनसी कर रहे रिची ब्रिंगटोन, और जो कि टीम का से फोना बैटिंग करने आ गए थे, 40 रन मारे थे। तो चलो ये तो इनका बैटिंग ऑर्डर से भी स्ट्रॉन्ग है, और इसे हर कोई इनका बैटिंग ऑर्डर जानते हो। एक बार पावर प्ले देख लेते हैं, उसके अलावा पावर प्ले देखोगे फर्स्ट पावर प्ले मार्क बर्ट ने स्टार्ट किया था, सिर्फ एक ओवर ही बॉलिंग किया और विकेट ले चले गए। पता नहीं हर मैच एक ही ओवर बॉलिंग, इससे पहले भी इन्होंने एक ही ओवर बॉलिंग किया था, अभी भी एक ओवर। उसके अलावा ब्रैडी क्योरी जो कि टीम से 3 ओवर बॉलिंग किए, विकेट ले चले गए। उसके सफियान सारिफ 2 विकेट लेके गए टीम से, मिचेलिस जो कि इससे पहले बॉलिंग नहीं किया बट लास्ट से जो बॉलिंग करके 3 विकेट लेके चला गया। उसके अलावा गैबिन मैन जो कि टीम से देखोगे 2 विकेट ले गया था। उसके क्रिस गेरिप्स जो कि टीम से लगभग आप पान के चलो 2 ओवर बॉलिंग किया, 2 विकेट लिए, और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया टीम को काफ़ी ज़्यादा। तो चलो ये चीज़ क्लियर हो गया, मिचेलिस ने बॉलिंग किया लास्ट में जो भी काफ़ी अच्छे। तो ये स्कॉटलैंड का डाउट क्लियर है, एक बार हम देख लेते हैं डेनमार्क का क्या है। तो डेनमार्क आप देखोगे निकोलस जो कि ओपन कर रहे टीम की तरफ से, तरनजीत वर्जा के साथ ओपन कर रहे। तरनजीत वर्जा में लास्ट वीडियो बोला था इसका सिलेक्शन सबसे कम विकेट कीपर सेक्शन में था, विकेट कीपिंग तो नहीं कर रहा लेकिन सबसे कम सिलेक्शन था, और मैंने बोला था कि तरनजीत वर्जा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इनको कवर करके चलो, और लास्ट डे 52 रन मारे भी। अब्दुल हासिम जो कि विकेट कीपिंग कर रहे टीम की तरफ से, सईफ अहमद फोना बैटिंग करे कॉन्स्टेंट पे है, संजीव भी अवेलेबल है, लकी मलिक भी अवेलेबल जो कि बॉलिंग करता है जनरली, कि बैटिंग तरीके से आ गया। तो एक बार इनका बैटिंग ऑर्डर देख लो, काफ़ी सारे चेंजेस हो गए, अब्दुल वासिम वरना बैटिंग करने आ गए थे, सैफ अहमद पौधा बैटिंग कर रहे, सूर्यानंद है, सोदमोनी है, एक बार बैटिंग ऑर्डर देख लेंगे, ठीक है देख लिए, ये चीज़ के लिए तो कन्फर्म टेलिया पे मैं खरीदूंगा, उसको टेंशन बदलो। सूर्यानंद ने फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग की, 4 ओवर में 2 विकेट लेके गए। उसके अलावा करीमी जो कि टीम से 4 ओवर बॉलिंग किए, निकोलस ने भी 2 ही ओवर बॉलिंग किया लेकिन अच्छा बॉलिंग करता है जनरली। उसके अलावा देखोगे सोदमोनी 4 ओवर में 1 विकेट, अब्दुल्ला महमूद जो कि टीम से 1 ओवर बॉलिंग किया, सैफ अहमद 3 ओवर बॉलिंग भी किया प्लस फोर ना बैटिंग प्लस 2 विकेट भी लेके गया। तो चलो ये चीज़ें क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड अब बात करते हैं प्लेयर वाइज, देखिए टेलीग्राम पे यूज एक्टिव है ना 33,000 से ज़्यादा लोग हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम, जो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, 33,000 से ज़्यादा लोग हैं। अभी देखो आयरलैंड वाला कवर मैच भी कर सकता, चांसेस है उसके, कमेंट करके बताना। बात कर विकेट कीपर सेशन लेकर, उससे पहले दूसरे वीडियो को जूस लाइक कर देना, जिससे मोटिवेशन मिलता है प्लीज़ वीडियो को जूस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब ऑल पर सेट कर दो, जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बात कर विकेट कीपर सेशन लेकिन, उससे पहले आप गिवे पार्टिसिपेट करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैं कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, हमेशा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको नीचे कमेंट करना है कि इस मैच में सिंपल सा बहुत सिंपल है कि मोस्ट विकेट कौन लेगा। देखो मोस्ट रन बोलता तो
वो भी मतलब बहुत सिंपल ही रहता है, बट मोस्ट क्रिकेट इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे आपको ना रैली खेलने में भी आसानी हो जाएगा, लोग किसको कर रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताना, गेम पार्टिसिपेट करना हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना मोस्ट विकेट लिख कैसे, कमेंट कर देना मोस्ट विकेट जो भी आपको प्ले लगता है, एक्स वाई जेड जो भी प्ले लगता है। जैसे आप मुझे लगता है कि मार्क बांट लेगा, मेरा आंसर मार्क बांट है, बट आपको लगता है कि नहीं सत्य अंसारी लेगा, हो सकता है कि इनकी टीम की तरफ से सूर्य आनंद ले ले, जो भी आपको लगता है दोनों टीम की तरफ से जो सबसे ज़्यादा विकेट लेगा आप उसका नाम कमेंट कर देना। अगर आपका आंसर राइट रहेगा तो आपको मिल जाएगा पेटीएम कैश हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री में, तो जो उससे पार्टिसिपेट कर लेना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्ट विकेट बस आपको बताना है, बहुत सिंपल सा विकेट क्वेश्चन। विकेट कीपर से अब्दुल हाशिम वांडा बैटिंग कर रहा है प्लस विकेट कीपिंग कर रहे, तो ज़्यादा एडवांटेज इसके पास है, मैट क्रॉस से खेल ही लेते हैं, अगर खेलेंगे तो ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए रंजीत के साथ जाते, लास्ट जो 52 रन मारे भी थे, एक अच्छे प्लेयर है टीम का से, अगर आप चाहो तो मैट क्रॉस के साथ जा सकते हो, ट्रेन के साथ जाते, ठीक है, ये भी जोर से पार्टिसिपेट करना। उसके अलावा रिची ब्रिंगटन फोन ना बैटिंग कर रहे, कभी भी टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा तो ये जबरदस्त हिटिंग करेंगे। जॉर्ज मुंशी जबरदस्त प्लेयर, हमेशा हमेशा इनको मैं कवर करता हूँ, इनफैक्ट कैप्टन हमेशा बनाता ही रहता हूँ। संजीव है बहुत नीचे बैटिंग है, ओली हरी जो कि टीम दस है नीचे बैटिंग नहीं है, वो ओपनर है टीम दस है, ओपन भी करेगा। लास्ट मैच 127 रन शायद ऐसे मारा था कि 107 ऐसे मारा था, मान के चलते 127 रन मारा था लास्ट मैच में, लास्ट के लास्ट मैच में। अच्छा प्लेयर टीम दस से कवर करके चल सकते हो, हालांकि लास्ट में फ्लॉप गया था बट फिर भी बहुत सही प्लेयर है टीम दस से, 127 रन हो, सही प्लेयर टीम से कवर के चलते। तो मैं तीन बैटर प्रिपेयर कर रहा हूँ, तीनों को हम कवर करके चलते हैं, इवन इससे ज़्यादा होप ही नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा निकोलस इंपॉर्टेंट, ब्रैंडन मैकलिन इंपॉर्टेंट है, मिचेलिस किसलिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉलिंग कभी करता नहीं करता लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं का किस ग्रेप्स इंपॉर्टेंट भाई, देखो बॉलिंग शानदार करता है बंदा, 4 ओवर बॉलिंग करेगा लेकिन शानदार बॉलिंग करता है, बहुत अच्छा बॉलिंग करता है ये बॉलिंग ऑलराउंडर, हिटिंग भी जबरदस्त करता है, इसकी बैटिंग एक बार देख लेना, हिटिंग जबरदस्त करता है। उसके अलावा मजार साहब तो वो बहुत सीनियर प्लेयर है, बहुत जबरदस्त है बट अवेलेबल ही नहीं है। उसके अलावा सूर्या देखो सही पेमर फोना बैटिंग कर रहे टीम दस से और 4 ओवर बॉलिंग भी कर रहे, हर एक मैच में अच्छे लेकिन टीम दस से कवर करके चलिएगा, तो ये 5 ऑलराउंडर पे करो, 5 ही इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप करने का सोचना नहीं। उसके अलावा मार्क वाट इंपॉर्टेंट टीम दस से, एस मुनीर बॉलिंग ठीक ही ठाक करता है, चाहो तो कवर कर सकते हो, लकी मलिक भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है स्कॉटलैंड को उनको कवर करो, जैसे सफियान सारिक नीचे देखोगे तो जैमिन मैन भी अच्छा है यार, उसके अलावा ए नील तो अवेलेबल नहीं है, तो चाहो तो मैन को पिक कर सो। लास्ट मैच बॉलिंग कैसे कर लिया था देखो बताता हूँ मिचेलिस, क्योंकि लास्ट मैच ए नील नहीं खेले थे इसलिए वो अवेलेबल थे। चलो कोई नहीं, ओवरऑल टीम बन चुकी है, अगर चाहो तो ऑल ईयर इसके जब पे अपनी टीम में चाहो तो पिक कर सकते हो, टीम में एक अच्छा प्लेयर जी मैन को, क्योंकि हमें विकेट लेके जा रहा हूँ मैं पिक करना चाहूंगा भी, लेकिन अगर टीम पहले बैटिंग करे तो शायद वो अच्छे ऑप्शन नहीं है, टीम अगर पहले बॉलिंग करे तो जी मैन अच्छी रहेंगे, फिर मैं जी मैन के साथ जा रहा हूँ। अगर चाहो तो रिची ब्रिंगटन के पे ऑल ईयर को पिक कर सकते, क्योंकि उन्हीं के बाद उनकी बैटिंग आएगी, तो ये तो 2 रन बैटिंग करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर चाहो तो पिक कर सकते हो, वरना बैटिंग ये करेंगे अकेडमी के लिए बनाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट कोई नहीं, ओली हेज को ड्रॉप करके चलते, लेकिन टीम पहले बैटिंग करे तो शायद वो इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है। चलो वो टीम सही है लेकिन स्मॉली के लिए, जी मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग करके बहुत परेशान कर रहा है और इस हर मैच विकेट लेके जा रहा है, इसलिए कवर करके चलते। कैप्टन की तरफ बात करें तो मैं यहाँ से कैप्टन पे करूँगा, जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे तो निकोला जी अच्छे लगते कि वो ओपन भी करेंगे प्लस 4 ओवर बॉलिंग है, लोग ब्रैंडन मैकलिन को कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि बॉलिंग नहीं कर रहा बनता, बस यही एक दिक्कत है। मार्क वाट इसलिए पिक किया क्योंकि कभी भी बॉलिंग करके जा सकता है, आज मेरा मतलब कि आंसर भी मार्क वाट है, बट आपको लगता है कि नहीं मार्क वाट नहीं, सफियान अंसारी विकेट लेके जाएगा तो कमेंट कर देना, सफियान अंसारी आपको पेटीएम कैश मिल जाएगा, बस आपका आंसर राइट होना चाहिए कोई भी आपको लगता है। हालांकि सफियान अंसारी ज़्यादा विकेट टेकिंग प्लेयर है तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर, मार्क वाट तो ऑलराउंडर नहीं है, लोग फिर भी कैप्टन कर रहे हैं इनको, पर फिलहाल के लिए मैं ऐसा कैप्टन जाऊंगा, निकोलस मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है कैप्टन। आप मुझे कमेंट बताओ कि निकोलस के साथ कैप्टन जाननी चाहिए, देखो ये कैप्टन डिसाइड करने से पहले एक मैं सोचा कमजोर टीम भाई प्लेयर में दम होना चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसा कैप्टन निकोलस के साथ जा सकते हो, किस प्लेयर सोच करोगे। रिची ब्रिंगटन बॉलिंग का नहीं रहा, मुंशी अगर टक्का आउट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, हालांकि कंसर्न प्लेयर है, ब्रैंडन मैकलिन अगर आउट हो गया तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए अपना वाइस कैप्टन ही जा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो सीबीसी को रिवॉर्स कर सकते हो, बट मैं तो सिलेक्शन बेस पर नहीं जा, देखो निकोलस भी अच्छी हिटिंग करता है, जो प्लेयर जो डोमेस्टिक मैच नहीं खेलते उन्हीं को वही लोग ऐसे कर रहे हैं, बट निकोलस अच्छी हिटिंग करता है, आप ये चीज़ मान के चलो, हिटिंग अच्छा करता है प्लस टीम से ओपन भी करेगा और साथ ही साथ टीम से 4 ओवर बॉलिंग भी करता है, निकोलस अच्छा प्लेयर है, एज ए कैप्टन जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन ब्रैंडन मैकलिन, बट अगर आप चाहो अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हो, इन तीनों को, इनको ट्राई कर सकते हो, फिर मिचेलिस को ट्राई कर सकते हो, मिचेलिस ने इसलिए बॉलिंग किया था क्योंकि लास्ट मुझे बॉलिंग इनको करना पड़ा, बॉलिंग करेगा इस मैच में भी, हाई ऑलराउंडर हो भी, चाहो तो मिचेलिस को कर सकते हैं, या फिर मैं तो प्रेफर करूंगा सफियान अंसारी, बहुत सेफर साइड है, इनके 4 ओवर कन्फर्म है, इनसे कोई नहीं लेगा 4 ओवर, सेम टीम से कॉन्टेस्ट बुक कर लो सेम टीम के साथ, मेरे हिसाब से टीम भी सही है मैच भी सही है, कैप्टन निकोलस के साथ थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना मैं चाहता हूँ, ना कि सेम, क्योंकि
सेम ट्राई नहीं करना चाहता मैं, सेम टीम से जाकर कौन ट्रेस बुक कर लो, एक कॉन्स्टेंट प्लेयर से पिक कर रहा हूँ, कोई भी ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो कि आपको निराश करके देंगे। ओली हरिस को पिक करता लेकिन ऑलरेडी मेरे लिए जी मैन इंपॉर्टेंट जिससे कवर कर रहा हूँ। अच्छा अगर इससे ले सकते हो मार्कवार्ड को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मार्कवार्ड को जैसे जी जैसे मिचेल इसको ड्रॉप किया था उसकी तरह हो सकता है कि मार्कवार्ड आज बॉलिंग करके विकेट ले ले, इसलिए मार्कवार्ड को कवर कर रहे हैं। भले ही एक ओवर बॉलिंग कर रहा है लेकिन बंदा एक ओवर में भी दो तीन विकेट लेके जा सकते, इसलिए कवर कर रहा हूँ मार्कवार्ड को। अब किस्मत खराब हुआ तो चार पाँच विकेट लेके जाए, इसको ड्रॉप करूँ मत तब, लेकिन इसके लिए से कवर कर रहा हूँ क्योंकि बंदा विकेट लेके जा सकता है, कभी भी चारों बॉलिंग कर सकता है मार्कवार्ड, इससे भी सीनियर प्लेयर है। वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन सफियान सारिक कर सकते हो। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। बाकी मैं मिलता हूँ टेलीग्राम पे, मुंशी को कैप्टन कर लेना, जिब्रिंग टोन को कैप्टन कर लेना, क्रिस ग्रेव्स को कर लेना और साथ ही साथ सफियान सारिक को। मार्कवार्ड शायद बहुत ही स्पेशल रह सकते हैं मिनी गैली में। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, बाकी के भी पार्टिसिपेट कर